हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKS वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहां पर JEE CCE पर 598 पद निकाला गया है, जिसको कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका क्या चयन है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाला गया है JEE CEE के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी। यहाँ पर 518 पद निकाला गया है, जो कि अनारक्षित और सामान्य जाति के लिए 264 पद रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 138 पद, अनुसूचित जाति के लिए 50 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 और पिछड़ा वर्ग के लिए 44। यहाँ पर पूरी पोस्ट मिलाकर 518 पोस्ट पद को भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी पेमेंट क्या रहने वाली है। इसको फॉर्म भरने के लिए आप भारत में किसी भी संस्था यानी मैट्रिक आप 10वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और इसमें आपके सीना क्या चौड़ाई कितना होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए कम से कम हाइट 160 और सीना 81 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई और सीना 79 होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई आपको हाइट यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं आपका सीना 81 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और न्यूनतम 81 होनी चाहिए। वहीं महिला के लिए हाइट 148 होनी चाहिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कौन कितने उम्र तक के स्टूडेंट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं अनारक्षित और सामान्य के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों ही 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आप नीचे देखेंगे कि इस परीक्षा का प्रारूप रहने वाला क्या है। ये परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा। आपका रिटेन, फिजिकल और मेडिकल, इसमें तीनों एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को आप देख लें। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कितने प्रश्नों का कितने कौन सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज़ को आप रीड करें, परीक्षा शुल्क 800 रुपये रखा गया है। लेकिन झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए इसके लिए मात्र 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर परीक्षा आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं। उसके लिए आप परीक्षा का आवेदन 26 दिसंबर 2018 से लेकर 9 फरवरी 2019 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा नीचे और भी दिया गया है परीक्षा से रिलेटेड, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर भी
चेक कर सकते हैं। मैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर भी JSSC के लिए जाकर दिखाता हूँ आपको। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर सर्च करें JSSC.NIC.IN पर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद ये JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आप यहाँ इस मेनू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ नोटिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ये जो पहला वाला है इंटरफेस, इसको आप डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपके सामने इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चाहें तो पूरी तरह से रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।